दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के C5 बोगी में आग लगी। हालांकि दुर्घटना में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि शताब्दी एक्सप्रेस की जिस बोगी में आग लगी उससे यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया है। किसी भी मुसाफिर के घायल होने का समाचार नहीं है। दिल्ली से देहरादून जा रही 02017 अब शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में हरिद्वार के निकट कंसरो स्टेशन के पास आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में भयानक रूप अख्तियार कर लिया। ट्रेन के C5 बोगी की खिड़कियों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये घटना दोपहर करीब 12 बजे के बाद रायवाला और कंसरो रेलखंड पर हुई। दुर्घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द बंदे भारत।